जी, अब तो अभी तो आज डेट है 15 अगस्त, अभी वक्त हो रहा है सुबह के 3:30। हाँ तो जनाब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग दिल्ली हरियाणा वाले रूट पे और ये हमारी बाइक के साथ पहला सीन हो चुका है, लेकिन जो फ्रंट वाला दिम है ना, उसको बहुत बुरी मार लगी है। अब देखो, बाइक रिपेयर हो जाए तो अच्छी बात है, दिम्स वगैरह रिपेयर हो जाए तो, बट अगर नहीं होते तो हमें चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो कल जो भी रिपेयरिंग का काम होगा ना, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो अब आप पूछोगे कि देर नवा भाई, वेयर इज द बाइक रिपेयर वीडियो? हाँ तो जनाब, जवाब ये है कि वीडियो तो हमसे डिलीट हो गई, मगर उस व्लॉग की कुछ हाइलाइट्स बची है, आप वो देख ले। ऑलराइट जी, तो फिलहाल हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। जो पीछे का रिम है वो परफेक्टली बन जाएगा, क्योंकि उसमें छोटी सी मार लगी है, लेकिन जो फ्रंट रिम है ना, उसका 50-50% चांस है। हाँ तो इस व्लॉग पे वापस आ जाते हैं। तो आज हमारा प्लान है कैसे भी करके रात तक मनाली पहुंचने का, और मनाली यहाँ से है 680 किलोमीटर, बट हम लोग वीडियोस देख रखे हैं कि रोड्स काफी अच्छे हैं, तो शायद से हम लोग रात तक काफी आराम से पहुंच पाए, और गूगल मैप में सिर्फ 12 घंटे दिखा रहा है। तो हमारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो भी निकलते हैं। चलो भाई, गुड बाय दिल्ली। अभी टाइम हो चुका है एकदम परफेक्ट 4 बजे, अभी शुभ टाइम पे निकल रहे हैं हम लोग। बाइक भी हमारी रेडी है, लेट्स गो। हाँ तो भैया, कल हमारा करोल बाग में कुछ ज़्यादा अच्छा दिन नहीं गया, बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी और काफ़ी अजीब तरह के लोग भी हमें मिले, बट स्टिल हमारी राइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। राइड तो हमारी कंटिन्यू चली रही है, फिर भले ही इसका अलॉय व्हील बैंड हो या फिर इंजन निकल के गिर जाए, राइड तो हम कंप्लीट करके रहेंगे, क्योंकि मन बना के आया भैया। और कल ये टायर के चक्कर में हम लोग कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं खरीद पाए, जैसे कि चेन लूप वगैरह और जो छोटे मोटे सामान है। और वैसे मैं आप सभी को विश करना भूल गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज है 15 अगस्त, तो आज ही के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो भाई पता नहीं, हम लोग कोई अभी एक डरावने रास्ते पे आ चुके हैं, एक और रोड था, लेकिन जो मेन रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना, वहाँ मैं आज पता चला कि 15 अगस्त के दिन बॉर्डर बंद होता है, तो इसलिए हम वहाँ से जा नहीं पाए, पुलिस ने हमें वापस वहीं से यू टर्न मरवा लिया। तो गूगल मैप ने अभी एक अलग रास्ता बताया है, तो उसके हिसाब से चल रहे हम लोग। तो भैया, पूरे 1.5 घंटे कच्चे रोडों पर गाड़ी चलाने के बाद फाइनली हम हाईवे पर कनेक्ट हो ही गए, यानी कि अभी हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं। थोड़े पहले जो हमारी मैक्सिमम स्पीड थी ना, वो थी 20 की। मैं बोला भाई, 680 किलोमीटर 20 की स्पीड में कब कवर करेंगे। हाँ तो आज के प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग दिल्ली से निकलने के बाद हम लोग जितना हो सके उतना कम हॉल्ट लेंगे। फर्स्ट हॉल्ट हम लोग लेंगे पंजाब में लंच करने के लिए, और फिर हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे पंजाब से मनाली के लिए, यानी कि आज हमें टोटल कवर करना है 650 किलोमीटर, और ये तो पक्का है कि मनाली पहुँचते पहुँचते हमें दिन से रात हो जाएगी। सो अभी मैं चलता हूँ, enjoy the rest of the video। everybody out in the world stop messing around, calling all you freaks and nerds, you're just missing what you want, my brother's going down the drain। After traveling hundreds of kilometers, finally we entered Punjab। अब काफी वक्त हो गया बाइक चलाते चलाते, तो बॉडी को रिफ्यूल करना भी जरूरी है। हाँ तो जी, अभी फिलहाल हम लोग हैं NH 205 हाईवे पे, जो कि अम्बाला से थोड़ा ही आगे, और फिलहाल हम लोग ने अभी इधर खाना वगैरह खाया है, और यहाँ पे लोगों से हमने थोड़ी बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से मनाली है 351 किलोमीटर, मगर हिमाचल बॉर्डर है 80 किलोमीटर, और हिमाचल बॉर्डर पे हमें लगेगी अपनी कोविड की रिपोर्ट, जो कि हमें मिलेगी 4 या फिर 5 बजे, और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10।
यानी कि अभी भी हम अगर निकलते हैं तो 80 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेढ़ या फिर दो घंटे में तक पहुँच ही जाएंगे। तो 4-5 घंटा हम लोग बॉर्डर पे करेंगे क्या, तो इसलिए हम लोग ने अभी फैसला किया कि यहाँ पे एक या फिर आधा घंटा हम लोग और बैठेंगे और मन किया तो सो भी जाएंगे। और दिक्कत यह है कि अगर हम 4 बजे भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना तो मुझे लगता नहीं मनाली हम लोग आज पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी और रास्ते काफ़ी ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अभी मुझे लग रहा है कि हमारा सुबह जल्दी निकलने का डिसीजन उतना अच्छा नहीं था। खैर अब जो होता देखते बाद में। तो आधे घंटे तक सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि रिक्स लेके देख ही लेते हैं, अगर रिपोर्ट लगी तो बॉर्डर पे ही रुक जाएंगे और अगर नहीं तो फिर सब क्लियर ही है। मगर हाँ, बाइक को रिफ्यूल करवा लेना वरना मनाली क्या बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। एंड देन लेट अस रोल। तो पहला तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग आधा एक घंटा वो ढाबे पे बैठेंगे, बट फिर हम लोग ने सोचा कि अब तक हम 100% श्योर नहीं है कि कोविड की रिपोर्ट हमें हिमाचल बॉर्डर पे लगेगी ही लगेगी, क्या पता 1% भी चांस हो सकता है कि ना लगे, तो इसीलिए हम लोग ये चांस ले रहे हैं, क्या पता रिपोर्ट की जरूरत ना पड़े, तो वो अच्छी बात है ये। और हाँ एक और चीज, अगर आपको समझना है कि अब तक आप पंजाब पहुंचे हो या नहीं, तो इसका पता लगाने का दो एकदम आसान तरीका है। सबसे पहला आपको यहाँ पे हर कोई पगड़ी में दिखेगा, और दूसरा आपको हर जगह यहाँ पे खेत ही खेत दिखेंगे। अगर ये दो चीज आपको दिख गई, समझ लेना भाई तुम पंजाब में एंटर हो चुके हो। हम लोग ने हॉस्पिटल में फोन करके रिक्वेस्ट किया कि भाई रिपोर्ट थोड़ा जल्दी सेंड कर दे, बट उन्होंने कहा कि सॉरी भाई 4 बजे से पहले रिपोर्ट नहीं आ सकती। समय बिटवीन NH 205 हाईवे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैं सर दुखने लग गया था, तो इसीलिए हम लोग नींबू पानी पीने रुके। और यहाँ से हिमाचल बॉर्डर अभी सिर्फ 10 किलोमीटर ही बचा हुआ है, और भाई गर्मी ने तो आज कसम से मार दिया, एकदम सर पकड़ लिया मेरे गर्मी में, गाड़ी चलाने तक नहीं हो रहा मुझसे अभी। राइडिंग का सबसे पहला नियम, अगर बाइक चलाने की हालत में ना हो तो किसी और को चलाने दो, इसमें ही दोनों की भलाई है, मगर पीछे बैठ के बिलोस तो ले ही सकते। और कुछ देर बाद हमारी अंतिम परीक्षा का वक्त हो गया, और हाँ कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत थी बॉर्डर पे, बट फ्री कोविड टेस्ट भी अवेलेबल था बॉर्डर पे, सो नो हार्म डन, मगर वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। वेलकम जी, वेलकम टू हिमालयन माउंटेन्स। थोड़ी देर पहले इतनी खतरनाक वाली गर्मी हो रही थी ना, बट अचानक से मौसम एकदम ही बदल गया, पूरा बारिश का मौसम, इनफैक्ट अभी बारिश हो भी रही है और पूरी चाय गीली हो रही है मेरी। अब आए ना भाई असली माउंटेन वाली फीलिंग, एक चाय की चुस्की मालूम फिलहाल। और अभी भी ना सफ़र बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, अभी भी 180 किलोमीटर और दूर है मनाली, और हम कोशिश करेंगे जब तक उजाला है तब तक पहुँचने की, क्योंकि अंधेरे में ऐसे रोडों पर चलाना काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो चलते यार, दिन बन गया आज देख के ये। जल्दी चलो भाई, बारिश एकदम तेज हो रही है। और वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो सेल्फिश ना हो, जब बहुत गर्मी थी तब आपके दोस्त ने गाड़ी चला ली, अब मौसम अच्छा हो गया तो आप गाड़ी फिर से ले लें। और ये म्यूजिक कौन बंद कर देता है बार बार। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुका है, पूरा कुछ भी दिख नहीं रहा मुझे। अब जो भी है इन फॉग लाइट के भरोसे हमें गाड़ी चलानी है। और मनाली का तो छोड़ो, अब तक हम लोग मंडी भी नहीं पहुंचे, मंडी अभी भी यहाँ से 35 किलोमीटर और बचा होगा, और फिर मंडी से मनाली है 115 किलोमीटर, तो अभी भी हमें बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि ये कोई हाईवे तो है नहीं, पूरा घाट वाला रास्ता है, और इतने अंधेरे में तो पहली बार चलाना ही काफी रिस्की काम है। और हम लोग तो घर से प्लान करके ही आए थे कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन 7 बजे राइड बंद कर देंगे, 7 बजे के बाद नो राइड, बट आज हमारा मनाली पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन हम लोग ने दिल्ली में वेस्ट कर दिया,
और अगर हम अभी कहीं होटल ले लेते तो फिर मुझे इसका दूसरा पार बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज कैसे भी करके मैं मनाली पहुँच ही जाऊँ। और हाँ भाई, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप माउंटेन्स पे रात में बाइक चलाएं, क्योंकि आपका एक गलत कदम और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि मनाली साइड आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है, और स्पेशली बारिश के मौसम में, सो थिंक बिफोर यू गो। हाँ तो जी, अभी फिलहाल हम लोग हैं कुल्लू में और थक काफ़ी ज़्यादा गए थे, इसलिए चाय के लिए रुके थे हम लोग। और यहाँ से मनाली अभी भी 47 किलोमीटर बचा हुआ है, और रोड तो भाई साफ बहुत नैरो रोड है, ऊपर से लैंडस्लाइड भी भाई बहुत बुरी हो रखी है। सो डोंट ट्राई दिस अगर आप कभी विजिट करते हो तो। हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। अगर बारिश का मौसम होता तो शायद हम लोग खुद नहीं कर पाते ये राइड। तो निकलते चाय पी के। ऑलराइट जी, तो बस आज का दिन यही ख़त्म होता है। अब कल सुबह हम जल्दी उठेंगे 8-9 बजे, और फिर मॉल रोड से जो भी ज़रूरत का सामान हो सब ले लेंगे, और कल हम निकलेंगे ले के लिए। अब थक काफ़ी गए तो आज आखिर का डायलॉग भी बोलने का मेरा मन नहीं करता है, तो आज सिर्फ डायरेक्ट पीस आउट करेंगे। पीस।